हम इसलिए आए हैं यहाँ पर जो हमारे भाइयों के साथ में जो गोरगांव में भीमगोरगांव में जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में हमने यहाँ जो जगनेश भाई ने जो यहाँ पर और उनके साथियों ने जो यहाँ पर हुंकार जो रखी है हमने उसका पूरे समर्थन के साथ में अपने साथियों के साथ में और ये जो हो रहा है देश में ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम इस अन्याय के खिलाफ में जो है भरसक कदम रखेंगे और पीछे नहीं। हमारे जो साथी हैं, हमारे साथियों पर देहात में बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। जब से ये सरकार आई है इस सरकार ने हमारे साथियों के साथ में जो वंचित लोग हैं उन लोगों के साथ में द्वेष भाव से काम कर रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों ये करीब करीब जब से सरकार आई है, अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर वहाँ पर हुआ था, सबीरपुर गांव में तब भी हम गए हुए थे और वहाँ का हम पूरी वीडियोग्राफिंग करके लाए थे, हमारे पत्रकार बंधु भी गए हुए थे वहाँ पर और हमने आकर के वहाँ पर कहा था और हमने प्रेक्षा समीक्षा भी कराई थी, प्रेस की समीक्षा कराई थी। साथियों आज देश के अंदर जो घोर अन्याय हो रहा इसके जवाब में नौजवान साथी खड़े हो गए हैं और नौजवान साथियों को कहना है कि यदि ये अत्याचार नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतर करके नहीं है खून बहाने का काम करेंगे, इस देश में क्रांति आएगी और वो क्रांति रुकने वाली नहीं है। इस तरीके से या तो ये बंद किया जाए अत्याचार, अगर जो बंद नहीं हुआ तो हमारे जैसे नौजवान साथी बिल्कुल सड़क पर आकर के हम जो है क्रांति का रूप ले लेंगे और साथियों फिर ये कदम होगा कि रुकने से रुकने वाला नहीं है।